आपके साथ। बारिश आते ही विकास के दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। गड्ढों से भरे सड़क पर जल जमाव और हादसे, ऐसा ही नजारा देखने को मिलना शुरू हो गया है। पूर्णिया के बायसी प्रखंड मुख्यालय से गुजरने वाली सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। सरकारी जन वितरण का सामान लिए पीएचएच खाद्यान्न गोदाम से निकले ट्रैक्टर इसी जर्जर सड़क की भेंट चढ़ गया। तेज बारिश के कारण सड़क के गड्ढों में जल जमाव हो गया था। जन वितरण में खाद्यान्न पहुंचाने निकले ट्रैक्टर की ट्रॉली का नियंत्रण बिगड़ जाने से चावल से लदा ट्रैक्टर पलट गया। ये कोई नई बात नहीं है, आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और ड्राइवर जान जोखिम में डालकर काम करता रहता है। ये नज़ारा है प्रखंड मुख्यालय के बेहद करीब का। इस मामले को लेकर बायसी प्रखंड प्रमुख से बात की गई तो प्रमुख इम्तियाज आलम ने आश्वासन दिया कि पंचायत मुखिया को सूचना देकर बहुत जल्द सड़क बनाया जाएगा। अच्छा, ये कब से ऐसा है यहाँ पर? दो साल तीन साल से ऐसा ही है सर, बोलता है नापी करके जाता है फिर भी रोड नहीं बन रहा। अच्छा, तो इस समस्या किस जगह पे है? ब्लॉक में। अच्छा, क्या लेके और कहाँ जा रहे थे आप लोग? चावल लेके जा रहे थे बालूगंज। बालूगंज दे लड़के यहाँ। अच्छा, तो गोदाम से यहाँ पर कितना दूरी है जहाँ पे पलटा है? 100 मीटर होगा आसपास में। तो इस पर यहाँ पे तो सभी कार्यालय मौजूद हैं, तो ये लोग क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं? कोई ध्यान नहीं दे, ध्यान देता तो ऐसा ही घटना थोड़ी होता। कौन पंचायत में है ये? शादीपुर बुता पंचायत में है। तो इस सब घटना को लेकर के कभी आप लोग प्रशासन से बात नहीं किए कि आए दिन हम लोग का गाड़ी घटना? प्रशासन आता है, नापी ले लेता है, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आता है दोबारा नापी। इससे तो गाड़ी जो पलटती है इस पे घाटा आपको भी है ना? और पूरा घाटा है, एक बार लोड करो, एक बार अनलोड करो, एक बार फिर दोबारा मजदूर को पैसा दो, उसके बाद कितना लोहा टूटता है, टीलर टूटता है, समस्या इसी में है। ये बात तो सच है कि यहाँ पर जो है डेली का ट्रैक्टर का लोड गाड़ी आना जाना करता है। बाद बाकी ये जो है बाढ़ ग्रस्त एरिया होने के कारण से जो है, और हमेशा पानी का जल जमाव होने के कारण से ट्रैक्टर यहाँ पर पलटी हो जाता है। ये समस्या काफी दिनों से है यहाँ पे? हाँ, ये समस्या तो दिखने को मिल रहा है काफी दिनों से, लेकिन जनप्रतिनिधि की भी निगाह में है कि इसका जो है कोई निदान निकाला जाए। बाद बाकी मुखिया जी भी, यानी कि शादीपुर भूता मुखिया भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गाड़ी का फंस जाना या माल लोड गाड़ी जो है पलटी ले लेना, ये सभी जनप्रतिनिधियों के नज़र में है, यहाँ का काम होगा।